नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है गांधीधाम गुजरात से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली सर्वोदय साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है सनी सीएन ने। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, गुजरात के गांधीधाम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12473। दोस्तों, अगर इस सर्वोदय एक्सप्रेस के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन गांधीधाम से कटरा के बीच की कुल दूरी 2047 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करती है लगभग 36 घंटे में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करती है नॉर्दर्न रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है, जो हर शनिवार को गुजरात के गांधीधाम रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे प्रांतों से गुजरती हुई हर रविवार को यह जम्मू के माता श्री वैष्णो देवी कटरा में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के 31 स्टेशन हैं और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। और दोस्तों, इस ट्रेन का पहला संचालन 3 सितंबर 2015 से शुरू हुआ था। अगर दोस्तों इस ट्रेन के कोचेस की हम बात करें तो इस ट्रेन में नए LHB श्रेणी के कुल 22 कोच लगते हैं, जिसमें से दो कोच AC 2 टायर के लगते हैं और जिसका गांधीधाम से कटरा तक का किराया है 2,910 रुपये। 4 कोच इस ट्रेन में AC 3 टायर के लगते हैं, जिसका किराया है 1,985 रुपये। 11 कोच इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के लगते हैं, जिसका किराया है 755 रुपये और 2 कोच इसमें सामान्य क्लास के लगते हैं, जिसका किराया है 430 रुपये। इस ट्रेन में दोस्तों आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। इस किराए में दोस्तों GST, सुपरफास्ट और रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है, परंतु फिर भी इस किराए में परिवर्तन संभव है, इसलिए इस किराए को एक बार आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से कंफर्म अवश्य कर लें। इस ट्रेन में दोस्तों पेंट्री कार का कोच है, जो ट्रेन के अंदर ही भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाता है, परंतु दोस्तों यह ट्रेन माता वैष्णो देवी के दरबार तक लेकर जाती है, इसलिए पेंट्री कार में आपको सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही मिलेंगे। इसके अलावा इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन को अहमदाबाद से कटरा तक BRC लोको शेड के WAP 5 या फिर WAP 4E, इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सर्वोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस और कौन कौन से स्टेशनों पर ठहरती है यह देख लेते हैं। दोस्तों, गांधीधाम से कटरा के बीच में चलने वाली सर्वोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर शनिवार सुबह 5:10 पर गुजरात के गांधीधाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है। और दोस्तों, गांधीधाम से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है सामाख्याली जंक्शन। सुबह के 6:28 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद सुबह के 6:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है द्रांगंद्रा जंक्शन सुबह के 8:15 पर और 8:17 पर यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है वीरमगाम जंक्शन सुबह के 9:55 पर और 9:57 पर यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अहमदाबाद जंक्शन। सुबह के 11:10 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद सुबह के 11:30 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। अहमदाबाद तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 300 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नडियाद जंक्शन दोपहर के 12:11 पर और 12:13 पर यहां से रवाना हो जाती है, यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आनंद जंक्शन दोपहर के 12:31 पर और 12:33 पर यहां से रवाना हो जाती है, यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है वडोदरा जंक्शन। दोपहर के 1:20 पर यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन और करीबन 15 मिनट रुकने के बाद दोपहर के 1:35 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। वडोदरा जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोधरा जंक्शन दोपहर के 2:58 पर और दोपहर के 3 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है दाहोद
दोपहर के 3:58 पर और शाम के 4 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मेघनगर शाम के 4:23 पर और 4:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है रतलाम जंक्शन। शाम के 5:50 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद शाम के 6 बजे यह ट्रेन रतलाम जंक्शन से रवाना हो जाती है। रतलाम तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 660 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नागदा जंक्शन शाम के 6:58 पर और 7 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है विक्रमगढ़ आलोट शाम के 7:27 पर और 7:28 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है श्यामगढ़ रात के 8:03 पर और 8:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है रामगंज मंडी जंक्शन रात के 8:42 पर और 8:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है राजस्थान का कोटा जंक्शन रात के 9:35 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद रात के 9:45 पर यह ट्रेन कोटा जंक्शन से रवाना हो जाती है। कोटा तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 926 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सवाई माधोपुर जंक्शन रात के 10:58 पर और रात के 11 बजे यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मथुरा जंक्शन रात के 2 बजे और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद रात के 2:05 पर यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दूसरी सुबह 4:12 पर और 2 मिनट रुकने के बाद सुबह के 4:14 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है नई दिल्ली। सुबह के 4:35 पर यह ट्रेन पहुँचती है नई दिल्ली और करीबन 15 मिनट रुकने के बाद सुबह के 4:50 पर यह ट्रेन नई दिल्ली से भी रवाना हो जाती है। नई दिल्ली तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1393 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पानीपत जंक्शन सुबह के 6:01 पर और 6:03 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अम्बाला कैंट जंक्शन सुबह के 7:55 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद सुबह के 8:05 पर यह ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है लुधियाना जंक्शन सुबह के 9:43 पर और 9:53 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है जलंधर कैंट जंक्शन सुबह के 10:45 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद सुबह के 10:50 पर यह ट्रेन जलंधर कैंट जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है दसुआ सुबह के 11:30 पर और 11:31 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है पठानकोट कैंट दोपहर के 12:35 पर और 12:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। पठानकोट कैंट तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1870 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है कठुआ दोपहर के 1:08 पर और 1:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जम्मू तवी दोपहर के 2:40 पर यह ट्रेन पहुंचती है जम्मू तवी और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद दोपहर के 2:50 पर यह ट्रेन जम्मू तवी से भी रवाना हो जाती है। जम्मू तवी तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1668 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उधमपुर शाम के 4:05 पर और 4:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा शाम के 5:10 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2047 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से कटरा के बीच में चलने वाली स्वराज एक्सप्रेस हापा से कटरा के बीच में चलने वाली सर्वोदय एक्सप्रेस और जामनगर से कटरा के बीच में चलने वाली सिंधु एक्सप्रेस के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी गांधीधाम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलने वाली
सर्वोदय सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।